ये है वेब सीरीज द लास्ट ऑफ वर्ल्ड एपिसोड नंबर 2। और इससे पहले मैंने आप एपिसोड नंबर 1 की स्टोरी पहले ही बता दी, जिसे देखने के लिए आप चैनल पर जाकर इससे पहले की वीडियो देख सकते या आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जा द लास्ट ऑफ सर्च कर सभी वीडियो देख सकते। तो एपिसोड नंबर 2 शुरू, एपिसोड नंबर 1 के लास्टिंग में देखा था किस तरह से जोल और टेस एली नाम की लड़की एक दूसरे कैंप तक पहुंचाने के लिए निकल जाते, मगर भागते टाइम उन्हें पता चल जाता है ये लड़की वायरस से इन्फेक्टेड। तो एपिसोड नंबर 2 शुरू होता है जहां पर हमें एक पुरानी स्टोरी दिखे जो होती है 2000, जिसमें हमें इंडोनेशिया के एक रेस्टोरेंट में काफी सारे लोग डिनर करते हुए दिख, मगर अचानक से वहां पर एक पुलिस आती और वो वहां पर डिनर करती हुई एक औरत को अपने साथ ले जाती। ये औरत है काफी बड़ी साइंटिस्ट और उसी कारण से उन लोगों को एक केस में इस औरत की जरूरत है, जिस कारण से वो इसे अपने साथ ले। अब लैब में पहुंचने के बाद वो पुलिस ऑफिसर उस साइंटिस्ट एक मरी हुई बॉडी, तो वो साइंटिस्ट उस बॉडी थोड़ी जांच पड़ताल कर, मगर जिस समय वो उस बॉडी के मुंह से एक सैंपल निकालती तो वो देखती है कि उसके मुंह से काफी सारी जिंदा पेड़ की जड़ें बाहर निकलने लगे। ये देखकर वो साइंटिस्ट डर जाती है और वो उस बॉडी को वहीं छोड़कर बाहर भाग जाती। अब बाहर पुलिस ऑफिसर उसको ये बात बताता है कि एक फैक्ट्री में 14-15 वर्कर्स थे जहां ये औरत भी काम कर रही, जहां ये बॉडी वाली औरत भी, मगर अचानक से इनको पता नहीं क्या हुआ कि इन्होंने एक दूसरे पर अटैक कर दिया और इनकी हालत खराब होना शुरू। अब वो इस औरत को गोली मारकर यहां पर ले आए, मगर बाकी के 14 लोग गायब हैं। मगर वो साइंटिस्ट देखकर समझ जाती है ये एक तरह का इन्फेक्शन वायरस है और वो उस ऑफिसर को बताती है कि इन लोगों के पास इसका कोई भी इलाज नहीं और साथ में इसके बारे में उनको कुछ भी नहीं पता है कि ये चीज किस तरह से काम करती है और शायद वो लोग इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं बना पाए। और वो साइंटिस्ट समझ जाती है कि अब उन लोगों के पास कुछ ही टाइम बचा है। और ये दिखाने का कारण ये था, इस एपिसोड में हमें ये बताया गया है कि शायद ये वायरस यहीं से फैला है। अब हम दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, मतलब 2013, जहां पर इस समय जोल और टेस ये जान चुकी एली इन्फेक्टेड है, जिस कारण से उन दोनों ने उससे काफी दूरी बना रही है और उस पर गन तान रही, क्योंकि इन्फेक्शन के कारण वो कभी भी उन पर अटैक कर सकती। मगर एली उनको अपने हाथ पर वो जख्म दिखाती है जहां पर उसे एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी काटा था और वो उन्हें दिखा के बताती है कि उसे ये आज से 3 हफ्ते पहले काटा था, मगर वो अभी तक ठीक है और साथ में उसके सभी जख्म भी ठीक। इसी कारण से मैरलिन यानी फायरफ्लाइज उसको उस कैंप तक भेजना चाहते, उस पर रिसर्च करके वो लोग इस इन्फेक्शन की दवाई बना सकते हैं। तो ये सुनने के बाद जोल और टेस अपने ट्रक के लिए एली को लेकर आगे चलना शुरू कर देते। और अब कुछ सफर के बाद उनके पास चॉइस आती है, जिसमें उनके पास 2 रास्ते हो, जिसमें एक रास्ता लंबा होगा मगर वो कम खतरनाक है और इसी के दूसरा रास्ता जो एकदम छोटा है मगर वो काफी ज्यादा खतरनाक, और उस पर जाना मतलब अपनी मौत को दावत दे। तो जैसा हर कोई करता, उन लोगों ने भी बड़ा रास्ता चुना और वो उस रास्ते पर चलना शुरू। और इसी रास्ते पर एली अपने आसपास देख और वो उन दोनों को बताती है कि उसे लगता था कि बाहर की दुनिया में चारों तरफ इन्फेक्टेड ही लोग होंगे, मगर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है और दूर दूर तक एकदम शांत। मगर कुछ ही देर बाद एली को वो दिख जाता है जो वो देखना चाहती, जिसके बाद टेस उसको एक छत से दिखाती है दूर जमीन, अनगिनत इन्फेक्टेड एक साथ जमीन पर पड़े हुए क्योंकि वो इस समय स्लीपिंग में। असल में ये वायरस जमीन में बिछी जड़ों के भी अपना काम करता है, जिसमें ये लोग उन जड़ों के कारण एक साथ कनेक्टेड, मगर जैसे किसी भी इन्फेक्टेड को अपने आसपास कोई इंसान दिखता है तो वो उन जड़ों की मदद से आसपास के सभी इन्फेक्टेड ये बता देता है कि उनका टारगेट कहां पर मौजूद। अब वो लोग इस रास्ते से तो आगे नहीं जा पाएंगे, तो वो लोग ना चाहते हुए भी दूसरा छोटा रास्ता जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है उससे जाने लगे। इस रास्ते में उनको एक म्यूजियम पार करना है जिसमें वो घुसते हैं। इस जगह पर काफी अंधेरा होता है तो वो लोग काफी ध्यान और शांति उस म्यूजियम को पार करने लगते हैं, मगर आधे रास्ते उन लोगों को एक इंसान दिखा है जो देखने में इन्फेक्टेड नहीं मगर वो काफी ज्यादा जख्मी था, जैसे उस पर किसी ने अटैक। उसको देखकर जोल को लगता है कि शायद इस पर इन सभी इन्फेक्टेड ने अटैक करने की कोशिश करी, जिससे बचने के कारण ये इतना ज्यादा जख्मी, तो वो उसको वहीं छोड़कर अपने रास्ते पर आगे निकल। मगर कुछ ही कदम चल उनके रास्ते के सामने ही इन्फेक्टेड दिख जाता है, तो ये देखकर वो तीनों छिप जाते हैं। और टेस एली को बताती है ये इन्फेक्टेड इस इन्फेक्टेड की आंखें नहीं है तो ये उन लोगों को देख नहीं सकता है, मगर इनकी सुनने की शक्ति काफी अच्छी है और उनको एकदम शांत रहना हो। और वो शांति से छुप के छुप आगे बढ़ना शुरू कर देते, मगर फिर से कुछ ही कदम चलने एक और इन्फेक्टेड वहां पर आकर उनकी आवाज सुन उन पर अटैक कर देते। अब इस अटैक से वो लोग काफी मुश्किल से बचते और उन ज़ॉम्बीज को गोली मारकर जान से मार देते, मगर अब उन्हें पता चलता है कि एली को दोबारा से उस इन्फेक्टेड ने काट लिया। मगर एली को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी बॉडी इस सबसे लड़ने में सक्षम है। अब पहुंचते पहुंचते वो लोग उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर उन लोगों को फायरफ्लाई के वो लोग मिलने वाले थे जिनको जोल को एली को सौंपना था, मगर यहां पर वो देखते हैं कि उस ट्रक के आसपास उन सभी लोगों की लाश पड़ी हुई है जो इस लड़की को लेने यहां आए थे। तो ये देखकर उन्हें कुछ समझ में नहीं, और जब वो वहीं पे मौजूद एक रूम के अंदर घुसते हैं तो वहां पर देखते हैं कि यहां पर मौजूद सभी मेंबर्स को, सभी फायरफ्लाई मेंबर्स को मार दिया गया और साथ में उनकी जरूरत का सामान भी वहां पर नहीं है। अब ये देखकर टेस काफी ज्यादा निराश हो जाती है क्योंकि उन लोगों ने इस लड़की
को यहाँ पर लाने की काफी बड़ा रिस्क ले लिया और उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। मगर इसी बीच एली नोटिस करती है कि टेस को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है, क्योंकि इससे पहले जब उन लोगों की म्यूजियम में इन्फेक्टेड से लड़ाई हुई तो शायद वहीं पर उस इन्फेक्टेड उस हाथापाई में टेस को काट लिया। मगर साथ में जो एली को काटा था उसका घाव चेक करने पर वो एकदम ठीक हो चुका। इसका मतलब असलियत में एली इस सब को रोक सके और इसको उस रिसर्च लैब तक पहुँचाना काफी ज्यादा जरूरी। अब इसके बाद टेस जोल को बोलती है उसको किसी भी तरह से इस लड़की को फायरफ्लाई के उस लैब तक पहुँचाना ही हो, क्योंकि अब यही लड़की दुनिया की आखिरी। मगर इसी बीच वहाँ पर एक इन्फेक्टेड आकर उन पर अटैक कर देते, लेकिन जोल अपनी गन से उसको खत्म कर देते। पर साथ में जब वो इन्फेक्टेड जमीन पर गिरता है तो उसके शरीर में मौजूद इन्फेक्टेड जड़ें जमीन में घुस जाती हैं और वो उसके आसपास सभी इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज़ को उनके बारे में बता देते और सभी इन्फेक्टेड रूट अब उन्हीं की तरफ आना शुरू हो। जिसके बाद टेस्ट उस जगह पर रखी सभी पेट्रोल को जमीन पर गिरा और साथ में सभी बम्स और वो जोर और एली को वहां से जाने के, क्योंकि अब उसका बचना नामुमकिन। मगर वो जाते जाते इन सभी इन्फेक्टेड को भी मार दे तो ना चाहते हुए एली को लेकर वहां से और उनके बाहर जाते ही वहां पर ज़ॉम्बीज़ की भीड़ आ जाती है और वो आते टेस्ट को देखते ही उसे कर इन्फेक्टेड करने की कोशिश करते हैं। मगर टेस्ट तुरंत आग लगाकर उस पूरी बिल्डिंग को ही उड़ा दे, जिसमें उसके साथ साथ वो सभी ज़ॉम्बीज भी मारे जाते। मगर बाहर उस बिल्डिंग को उड़ते हुए एली और जोल भी। और एपिसोड नंबर 2 यहीं पर खत्म। तो अगर आपको एपिसोड नंबर 2 अच्छा लगा तो आप इसके बाद का एपिसोड नंबर 3 जो आपको इसी चैनल पर। धन्यवाद।